प्राचीन घर को दिखाएंगे, सती बहला की जो कहानी घटा था, हर किस तरह से किस हाल में। इस वीडियो में चंपा नगर आया हुआ हूँ, सती बहला विषरी का घटना घटा हुआ है। फोटो दिखाने वाले और सीन दिखाने वाले वो यहाँ पे मेरे फैमिली रहते हैं, यहाँ पे जिया जी के घर पे हूँ। यहाँ पे जो सती बहला का पूरा कहानी यहाँ पे घटा, विषरी स्थान कुछ दूरी पर है और पहले भाला लोखिंदर का ये पूरा एरिया हुआ करता था। भाला लोखिंदर का घर दिखाते जो कि घटना यहीं पे हुई थी, यही है भाला लोखिंदर का ये घर है, बेहुला का घर है। खजूर का गाछ था, अच्छा। ताड़ का गाछ था, कम से कम 50 साल। अच्छा, बेहुला वाला उसी का पार्ट है ये। अच्छा, बंगाली तो उसी के बेहुला का जो घर जो है। अभी किसके नाम पे वो जमीन है? अच्छा, संपत्ति है, किसी के नाम पर नहीं है। दुर्गा माई का यहाँ बड़का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर। अच्छा, इसी के नाम पर पूरा संपत्ति है, किसी के नाम पर है नहीं। अच्छा, नदी है ना तो इसी के नाम पर है। अच्छा, आनंददायक 2000 साल वही काफी। इसका इतिहास है, भैरव तालाब है ना यूनिवर्सिटी के पास। हाँ। भैरव तालाब देख लो, चले आवा सुखी जगह, भैरव तालाब से ही उठाई के लान लो रहे, वही ओकरा सपना दे लो रहे। इसी में सती बहला ने अपने मृत पति के शरीर को केले के पेड़ पर रखकर इसी गंगा से पार किया था। आज की वीडियो में आज हम आपको उस जगह को दिखाने वाले हैं, उस घर को दिखाने वाले हैं जहां सती बहला, भाला लोखिंदर और चांदो सौदागर रहा करते थे। आज की वीडियो में उस प्राचीन घर को दिखाएंगे, सती बहला की जो कहानी घटा था, उस जगह का जो वो घर किस तरह से किस हाल में, उस जगह को हम आपको दिखाने वाले। उस जगह पे चंपा नगर बंगाली टोला जहाँ पर के सती बहला भाला लोखिंदर का कहानी घटा था, उस जगह पे उस स्थान पे जो कि अभी भी उसका घर मौजूद है 2000 साल पुराने से। तो चलते हैं वीडियो, वीडियो पे बने रहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि विषहरी स्थान जो चंपा नगर में जो विषहरी स्थान है शायद उसी जगह घटना घटी थी, लेकिन उस जगह घटना नहीं घटी थी। जो घटना सती बहला की जो घटी थी वो बंगाली टोला में स्थित उस जगह पे घटी थी। जो जब विषहरी पर जाता है लोगों को लगता है कि शायद जो ये घटना घटी थी चंपा नगर जो विषहरी स्थान है वहाँ पर नहीं घटी थी। दरअसल वहाँ पर ये हुआ था कि जो बंगाली टोला से कुछ ही दूरी पर वो विषहरी स्थान पड़ता है। भाला लोखिंदर जो सती बहला के जो पति थे और जो भाला लोखिंदर के जो पिता थे चांदो सौदागर, जो मनसा देवी को जो पूजा दिया था, उनको जो पहली पूजा जो दिया था, जब सारा कुछ ये घटना हो गया था, जो अंत में जब उसको मानना पड़ा था, तो उनको पहली पूजा जो दिया था उनको जो है चंपा नगर के जो विषहरी स्थान है उस जगह पे दिया गया था। इस करके जो है वो तब से लेके अभी तक उस जगह पे सभी लोग वहाँ पे पूजा देने जाते हैं, वहाँ पे बड़ी भीड़ लगती है, काफी मेला लगती है। पहले इतना बड़ा मंदिर नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो है उस मंदिर का निर्माण किया गया बहुत ही अच्छा तरीके से, जो कि आज विषहरी पूजा में काफी ही 17 अगस्त के दिन काफी ज्यादा भारी मेला लगता है। तो चलते हैं आपको वीडियो पे लेके चलते हैं, बंगाली टोला स्थान पे लेके चलते हैं जहाँ पे वो घटना हुई थी, वहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कुछ वीडियो। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसी वीडियो में काफी ही लाते रहते हैं। हाय फ्रेंड्स, एक बार नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में चंपा नगर आया हुआ हूँ जहाँ पे सती बहला विषहरी का घटना घटा हुआ है। तो वो जहाँ पे घटना घटा है उस जगह का मैं आपको फोटो दिखाने वाला और सीन दिखाने वाला, वो जगह भी किस तरह का है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इस वजह से आया हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे फैमिली रहते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे जिया जी का घर है और यहाँ पे ये देखिए मैं अपने अभी जिया जी के घर पे हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे फैमिली रहते हैं, तो यहाँ पे जब आया तो मेरे जिया जी ने बताया कि यहाँ पे जो सती बहला का जो है पूरा कहानी यहाँ पे घटा हुआ है, और वो मंदिर जो है जो चंपा नगर का यहीं पे विषहरी स्थान कुछ दूरी पर है, आधा किलोमीटर लगभग है। और यहाँ पर जो सती बहला भाला लोखिंदर जो कहते हैं भाला लोखिंदर का, मैं आपको जो घर है उनका पुराना वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं छत पे था तो यहाँ से आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये दिखा था आपको, ये जो आप फ्रेंड इतना यहाँ से जो जितना आप देख रहे हैं ये यही करीब 2000 साल पहले भाला लोखिंदर का ये पूरा एरिया हुआ करता था। और ये सब जो इनको उस टाइम से इनको शायद दान पुण्य में दे दिया गया। और जो फ्रेंड्स भाला लोखिंदर का घर दिखाते जो कि काफ़ी पुराना है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और घटना यहीं पे हुई थी जिस जगह मैं आपको दिखाऊंगा, और इनको जो मंदिर बनाने के जो जगह मिला है वो थोड़ा आधे किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ भाला लोखिंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये जो जाली जाली से जो काला सा जो है, तो फ्रेंड्स ये देखिए यही है भाला लोखिंदर का ये घर है, बेहुला का घर है, ये आप देख सकते हैं।
कहानी यहीं से बोला। चांदो सौदा की कहानी फ्रेंड्स यहीं से शुरू हुआ है, और यहीं आपने कहानी में सुने होंगे कि उसको पत्ते पे जो जब उनकी मृत्यु होती है तो पत्ते पे उनको लेटा के जो गंगा को उस पर भेज दिया जाता है। तो वो फ्रेंड्स ये देखिए, इस साइड में आप देख पा रहे हैं जहाँ पे मैंने जूम किया है, वहाँ पे पहले गंगा नदी बहा करता था, और वहीं पे जो है उनको जो है जब उनकी मृत्यु तो वहाँ पे उनको उस तरफ गंगा पार किया गया था। और ये देख पा रहे हैं आप साफ क्लियर, यही है चांदो सौदागर का बिहुला का घर। ये देख सकते हैं पूरा ज़मीन जो पहले फ्रेंड्स उन्हीं का हुआ करता था 2000 करीब साल पहले। ये देख सकते हैं फ्रेंड आप, यहाँ पे फ्रेंड्स आबादी बढ़ जाने के कारण आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे और इसी के जमाने पे घर वगैरह भी काफ़ी बन चुके हैं। देख सकते हैं आप, जब आप यहाँ इस जगह को विजिट करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो आपको कई ऐसे पुराने मिलेंगे जो कि सती बिहुला के कहानी के टाइम के हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए पास में मंदिर है, और जो यहाँ पे इसका जो मुख्य मंदिर दिया गया है वो आधा किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो इतना पुराना और टूटा हुआ घर देख रहे हैं, यही वो घर है जिसमें सती बिहुला भाला लोखिंदर और उनके पिता चांदो सौदागर रहा करते थे। बंगाली टोला में स्थित मैं अपने जिया जी के घर से जब मैं पूछा कि इनके घर कब का है, तो उन्होंने भी ये बात बताई कि ये हमारा घर जो है दादा परदादा के टाइम से है। तो इनसे पता लगता है कि ये इनका जो घर जो है, तो इनका घर भी जो है इनके भी काफी ही चांदो सौदागर के टाइम से ही इनका भी घर है, जो कि उन्हीं के वंशज में से ये भी आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको इसलिए यहाँ पे दिखाएं क्योंकि ये फ्रेंड्स काफी ऐतिहासिक चीज है, कुछ लोगों को मालूम नहीं होता, यहाँ तक आ नहीं पाते हैं। तो हमें जो यहाँ के जो लोग से उनसे लोग से मैं मालूम लगा, हमारे जिया जी ने बताए, मुझे भी नहीं मालूम था कि यहाँ पे भाला लखविंदर के पीछे ही कहानी घटा हुआ। तो अभी जैसे हमारे जिया जी ने बताए तो वैसे ही हमने अभी तुरंत छत पे आए हैं और हमें दिखाए कि ये जितना एरिया देख रहे हैं आप उधर का, वो सारा बिहुला का ही घटना घटा हुआ है। तो फ्रेंड्स काफ़ी ही जब विषहरी पूजा आता है तो पूरा बिहार में एकदम ऐसा लगता है कि पूरा सती बिहुला एकदम बिल्कुल ही सब जगह से एकदम पूरा बहुत ही अच्छा एकदम देखने में लगता है। हाँ, यहाँ देखो पहले क्या था, यहाँ पर खजूर का गाछ था, अच्छा। ताड़ का गाछ था, कम से कम 50 साल। अच्छा, वो सब तोड़ ताड़ दिया है। ये भी बिहुला वाला उसी का पार्ट है ये। अच्छा, ये जमीन। अच्छा, ये जो आपका ये जो घर है उन्हीं के जमीन पे है, पूरा बंगाली टोला उसी के जमीन। अच्छा, तभी ये बंगाल में भी सती बिहुला ज्यादा फेमस है। बंगाल में भी फेमस है ना ये सती बिहुला। अच्छा, ये जो अभी वो जो दिखाए वो जो दिख रहे जो बिहुला का जो घर जो है वो मतलब की अभी किसके नाम पे वो जमीन है? देवत्ता संपत्ति है, किसी के नाम पर नहीं है। वो भैरव थान देख रहे हो, वासुदेव थान देख रहे हो, दुर्गा माई का यहाँ बड़का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर। अच्छा, इसी के नाम पर पूरा संपत्ति है, किसी के नाम पर है नहीं। अच्छा, एकदम घटकिंडी तक यहाँ से वो जो है यहाँ से लेकर पीरपैती से लेकर अरे साहेब सुल्तानगंज तक जितना नदी है ना वो इसी के नाम पर है। अच्छा, उसका पहला जो मछली है वो भैरव थान को चढ़ता है, घाट में पहला जो मछली मारा जाएगा। हाँ, तो इतनी सा मरे या इतनी सा। हाँ, पहले भैरव नाथ को। अच्छा, उसके बाद ही कोई खाएगा, समझे ना, बहुत आनंददायक। 2000 साल वही काफी इतना बन गया ना वो जो मंदिर, मतलब कि वो उधर सूख क्या कहते हैं पोखर जो सूख गया है ना। हाँ, वो पोखर तो ऐसे था। अच्छा, से कोई इसका इतिहास नहीं। अच्छा, इसका इतिहास है भैरव तालाब है ना यूनिवर्सिटी के पास। हाँ, देखे हो, ये देखा होगा पहले था भैरव तालाब, देख लो चले आवा सुखी जगह लो सुखा दे लगी देरे सुखे लगे वही है जो भैरव थान जे छे ना, भैरव थान के जो बड़का इतना बड़ा मूर्ति छे, मूर्ति छे भैरव नाथ के। हां, वही भैरव तालाब से ही उठाई के लान लो रे, वही ओकर सपना देलो रे, वही बात तालाब के नाम भैरव तालाब पड़ रहा। तालाब में गिर बहुत वो पुराना जो तक सुखल के सरकार सुखल के एक हफ्ता लगले जनरेटर से सुखा हो रहा रात दिन चले। अच्छा, वहां तालाब कैसे यूनिवर्सिटी जे मतलब देख लियो पीछे बहुत बड़का जे सुख के सुखा दे। भैरवनाथ के
नाम पर वो तालाब अब कम मिला था। सरकार ने वैसे खोल के नहीं, वो कोनो काम करते वहाँ पर, वो कुछ बनाएगा समझे ना, ये बात था। और उसके पीछे एक सांप घूम रहा था। अच्छा, हम बोले पिताजी को जो की छे के चोकरा नहीं देखा, आँख खराब हो गया। अच्छा, हम बोले की छे के की कहते हो मनी छे के मनी। अच्छा, सांप के माथा में रह छे। अच्छा, ये जो खेत आप देख रहे हैं, सती बिहला का जब घटना हुआ था तब के समय ये गंगा हुआ करता था जो असम के राज्य को जोड़ता था। इसी में सती बिहला ने अपने मृत पति के शरीर को केले के पेड़ पर रखकर इसी गंगा से पार किया था। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसी वीडियो में काफी ही लाते रहते।